थाना इमरिया सुल्तानपुर की चौकी काजी कमालपुर इलाके में 45 वर्षीय अधेड़ का शव मिलने से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के शरीर पर चोट और पूरे शरीर पर तेजाब जैसा केमिकल डालने के भी निशान थे और दोनों आंखें फूटी हुई थी। आपको बता दें कि जगदा सीतापुर के थाना इमरिया सुल्तानपुर की चौकी काजी कमालपुर क्षेत्र के गाँव जगना निवासी 45 वर्षीय रामपाल पुत्र राम आसरे का शव पास के ही गांव के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। वहीं मृतक के शरीर पर चोट के निशान तथा पूरे शरीर पर जले जैसे निशान भी मिले और दोनों आंखें भी फूटी हुई थी, जिससे तेजाब जैसे किसी केमिकल के डालने की आशंका जताई जा रही है। मृतक के पुत्र ने बताया है कि सोमवार को सुबह करीबन 8 बजे गाँव के ही राम सिंह पुत्र राम विलास उनके पिता को बुलाकर ले गए थे और राम सिंह दोपहर करीबन 1 बजे अपने घर वापस आ गया, परंतु उनके पिता वापस नहीं आए। काफी ढूंढने के बाद पास के ही गांव के गन्ने के खेत में उनके पिता का शव नग्न अवस्था में पड़ा मिला और पूरे शरीर पर चोट और जले के निशान भी थे, तो वही तेजाब जैसी केमिकल का निशान लग रहा था। ग्रामीणों ने बताया है कि मृतक का शव मिलने के बाद से राम सिंह फरार है, जिससे लोग पर हत्या की शंका जता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्षेत्र में हुई इस हत्या का खुलासा पुलिस कर पाती है या ये एक पहेली बनकर रह जाएगा। पूरा मामला यही है, हमारे पिताजी कल सुबह राम सिंह के साथ में गए थे दोनों लोग, तो ये वापस नहीं आए। शाम तक 4-5 बजे तक हमने इंतजार देखा, वापस नहीं। फिर उसके बाद में हम गए उनकी तलाश में, तो उनके एक दो कपड़े हमको बाहर दिखाई पड़े गन्ने में। हमने इनको कुछ तलाश किया तो नहीं हमको मिले, और 2-4 आदमियों को वहाँ एक मकान था वहाँ से बुला के लाए। उनको कहा 2-3 लोग भैया हमारे साथ में चले चलो और उनको तलाश करवा दीजिए, तो हमारे साथ में आए तो वो 2-3 लोग तो हमारी उनको तलाश करवाई, तो हमने वहाँ मृतक शरीर पाया और उनके शरीर पे हमने हाथ लगाया तो उनकी खाल सब हट गई और उनकी आँखों कान से खून भी आया है और चोटें भी दी गई हैं और उनकी आँखें भी फूटी हैं। आपका क्या नाम? हमारा नाम सीताराम गिरी, ग्राम जगना और सनाफ रामपाल गिरी, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, थाना मिर्जा सुल्तानपुर, तहसील मोहन। सीतापुर से आशुतोष अग्निहोत्री की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। देखते रहिए टीवी वन इंडिया न्यूज। नमस्कार, और टीवी वन इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।